देखिए, ये याचिका कल माननीय सिविल जज सीनियर डिवीजन वाराणसी की कोर्ट में दाखिल की गई। याचिका आदि विशेश्वर स्वयंभू विराजमान की ओर से माननीय न्यायालय में दाखिल की गई, जिनके निकट मित्र श्रीमती किरण सिंह के द्वारा ये केस फाइल किया गया। इस केस में मुख्य तीन बिंदु रखे गए हैं। नंबर एक, संपूर्ण ज्ञानवापी परिसर में मुसलमानों का प्रवेश प्रतिबंधित किया जाए। नंबर दो, संपूर्ण ज्ञानवापी परिसर हिंदू पक्ष को दिया जाए। और नंबर तीन, सबसे महत्वपूर्ण, कि तत्काल जो विश्वेश्वर का शिवलिंग सबके सामने प्रकट हुआ है, प्रत्यक्ष देखने को मिल रहा है, उसकी तत्काल प्रभाव से पूजा अर्चना प्रारंभ करवाई जाए। क्योंकि मात्र शिवलिंग मिलने के जो दावे हैं आपके, उसके बाद से ये नहीं, ये याचिका पहले से निर्धारित थी, समय का इंतजार था, हमारी रणनीति का एक हिस्सा थी। और इसके अलावा भी कुछ और याचिकाएं आ रही हैं, शीघ्र आप लोगों के सामने एक के बाद एक कई चीज़ें आएंगी। जिसके कोर्ट में ये सुनवाई होनी है और कब? ये आज माननीय सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर की कोर्ट में इसकी सुनवाई 2 बजे करीब होगी। इस याचिका को और मजबूत करने के लिए क्या रणनीति होगी आप? देखिए, रणनीति का तो खुलासा नहीं, वो आपने रखा है जी, वो बेहद ही अहम हो जाता बिल्कुल है। बिल्कुल, लेकिन इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा, कभी भी रणनीति का खुलासा नहीं किया जा सकता, ये न्यायालय की प्रक्रिया है, वो न्यायालय में ही होगी। ये माना जाए कि आप मजबूती से इसको आगे बढ़ाएंगे? अभी तक की सारी प्रक्रियाओं में आप लोग खुद देख रहे हैं किस प्रकार सनातन समाज को विजयश्री मिलती जा रही है।